ये 300 जाती है भैया, 300 हाँ 300 भागती है ये। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे होंगे और वेरी गुड मॉर्निंग। आज है संडे और संडे राइड पे आज हम जा रहे हैं सब राइड करने के लिए, और अपने ये कुछ फ्रेंड्स लोग आ चुके हैं और ये चार बाइक समथिंग ये हैं और बाकी कुछ बाइक्स आगे खड़ी हैं। और वेदर बहुत अच्छा हो रहा है यार, बारिश वाला हो गया, लेकिन डर लगता है इसकी स्कूटी हो जाता मामला, बाइक पूरी सन जाएगी। सबसे डर लगता है टायर टाइटिस है, मेरे टायर टाइटिस नहीं है तो उसकी वजह से पीछे से पूरी बाइक मेरी पूरी बैग सान देगी यार। और भाई रिक्स तो बड़ी ज़्यादा है इसमें, क्यों एकदम बाइक स्लिप होने का डर रहता है। और गाइस आई होप आपको आवाज़ अच्छी आ रही होगी, जो मेरी बाइक आवाज़ का इशू तो वो सब खत्म हो गया होगा। बाकी आज भरपूर जो उसके साथ संडे राइड पे निकले थे, लेकिन बारिश ने सारा मजा जो है हल्का कर दिया। और एक घंटा वो सो चुका है घर पे, इंतजार करते करते बारिश हो गई, निकले वाले निकले तो 7 बज चुके हैं, और जबकि सब लड़के अपने 6 बजे से सब तैयार थे। तो चलिए देखते हैं मीटिंग पॉइंट पे कौन कौन आता है। जितने हमारे राइडर आगे हमारे इंतजार कर रहे थे वो यार तो निकल गए हैं आगे की तरफ, और अभी मैंने उन्हें मैसेज किया तो वो कह रहे हैं हम लोग आगे खड़े हैं, चाय वाय पी रहे हैं, इतना आप आ जाओ। ये खड़े हैं यहाँ पर, क्या हाल है भैया? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ पे सब खड़े हैं, सब लोग यहाँ से और निकलेंगे हम आगे हैं। तो सो गाइस यहाँ पे अपना मीटिंग पॉइंट पे सब आ चुके हैं, मिल चुके हैं, और कुछ राइडर्स कम है आज, और बाकी अपना टाइगर ये खड़ा है, और बारिश में हल्का हल्का गंदा भी हो चुका है, तो भाई ये काम बढ़ गया है, इसे वॉश कराने का, पुलिसिंग करने का उसे काम बढ़ गया है। बाकी आज राइड पे अपने साथ है पल्सर NS, CBR, R1, एक R1, एक GT है, एक डोमिनार है। तो यहाँ से निकलेंगे थोड़ा सीधा स्टेज, ज़्यादा टाइम तो मिलेगा नहीं आज, क्योंकि टाइम अच्छा था ओवर हो चुका है, 1.5 घंटा घर पर ख़राब हो गया। तो देखिए आता है मज़ा आपको जो भी आएगा इस। तो इधर का भी वेदर साफ है, इधर इधर बारिश भी नहीं है, और इधर मौसम बहुत बढ़िया। इधर बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है भाई। तो सारे राइडर्स को अपने आने देते हैं और फिर चलेंगे साथ साथ। ये निकल चुके अपने राइडर्स, तो सारे राइडर्स अपने आ चुके हैं, एक GT रह गई है पीछे। आज के संडे में मिली नहीं मिलेंगे, अच्छी आ रही होगी इस बार अपने बाइक को, इसमें किसी तरीके का कोई भी विंड ग्रास नहीं आ रहा होगा, क्योंकि माइक की क्वालिटी यार बहुत अच्छी है, देखने में बहुत प्रीमियम लुक है। तो आगा अपना है लगभग 1 किलोमीटर दूर, सामने टोल दिख रहा होगा आपको, ये टोल है, और यहाँ से टोल पार करके टोल पे सारे राइडर्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद निकल चलते हैं घर की तरफ। ये हमारे सताब भाई आ चुके हैं ओवरटेक करके हमें, और ये रिजवान पासा। ताऊ पूरे घूम गए,
हाँ घूम गए पूरे। तो ये हमारे राजा राजपूत जो कि आए हैं गढ़ मुक्तेश्वर से आज अपने साथ राइड करने, भाई को मतलब टाइमिंग से पहले आ गए, 5:30 बजे का कंधा खड़ा हुआ है फरादाबाद अपने। और आज आए हैं एक नई प्रॉपर्टी पे, बहुत प्यारी लोकेशन है यार यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और तो यहाँ ही रुकते हैं यार। वाओ मजा आ गया जी, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। तो गाइस प्रॉपर्टी चेक कीजिए, गाइस प्रॉपर्टी चेक कीजिए यार, बहुत प्यारी लोकेशन है, बहुत प्यारी लोकेशन है। ये अपनी बाइक्स लग चुकी है सारी यहाँ पर और सारे राइडर आ चुके हैं, और आज जो हमारी लोकेशन थी उससे हम आगे आ चुके हैं। गाइस अपने रेस्टोरेंट में आ चुके हैं और हमने ऑर्डर कर दिया यहाँ पे चाय पराठे। ये देखो सब भूखे नंगे की तरह सब लिपट गए, ये देखो सबसे ज़्यादा नींद खराब है लौंडे की, शुरू होते ही सवन में लगे पड़े हैं ये। अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद मिलते हैं सीधे अपने बाइक को, बहुत प्यारी लोकेशन है, बहुत अच्छी जगह है। अपना ये दही और ये शायद सांभर है, ये बटर है, और ये अचार इनके लिए, अचार इनके लिए, इनका खट्टा का मन कर रहा है। सो गाइस अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है कंप्लीट और आ चुके हैं हम अपने जहां हमने अपनी बाइक्स पार्क की हैं, और यहां पे यार लोकेशन बहुत प्यारा है, आप देख सकते हैं यहां की प्रॉपर्टी कितनी प्यारी है भाई। ये इधर का गार्डन टाइप है, मतलब जहां पार्किंग है उस समय, और ये अपना टाइगर, और यहां पे हमारे बदतमीज लौंडे खड़े हैं सब, ये यहां सब दूसरी गाड़ी छेड़ना है भैया है नहीं, देखेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे, मतलब मेरी गाड़ी के साथ क्या कर रहे हैं। सो गाइस अपनी देखा ही होगा आपने आज अपने वीडियो में लगे छोड़ से, अपनी जो वॉइस थी वॉइस की दिक्कत खत्म हो चुकी है, और जो अपनी आवाज़ आती थी कटर पटर की वो खत्म हो चुकी है, और आपको मज़ा आ रहा होगा आज के ब्लॉग में। और आज अपनी आपने संडे राइड पर अपनी G98 की बिजली भी मिस की होंगी, और बिजली हमारी बिजली हुई हमारे रामनगर गए हुए, तो इसी चक्कर में उद्योग पड़े बस अभी फोटोशूट में लग गए, तो यहाँ से अभी कुछ करेंगे फोटोशूट वगैरह, वो भी अपने देखने मिलेंगे अपनी इंस्टा आई डी पर। तो अपनी इंस्टा आई डी है सेम द यूपी किस राइडर सद्दाम सैफी के नाम से, तो जिन्होंने भी अभी फॉलो नहीं किया वो फॉलो करें, बाकी आपको मिलते हैं अभी सीधे बाइक पर। क्या हुआ उसका बैलेंस बिगड़ गया, क्या हुआ? दो टोटल और यहाँ से हम जाने की तैयारी, अपनी टाइगर पे हम हो चुके हैं सवार, और यहाँ से निकलने की पूरी तैयारी हो चुकी है अपनी, वो अपना सामान रख लो। तो यहाँ से सब निकलते हैं एक करके भाई, भाई प्रॉपर्टी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा लगा है, रुक के मज़ा आ गया, और नेक्स्ट संडे भी सोचेंगे यहीं रुकने का, और थोड़ा टाइम से आएंगे आपके से, इस बार थोड़ा टाइम की कमी रह गई, तो जिसके वजह से हम आपको पूरी प्रॉपर्टी दिखा भी नहीं पाए। अब हमें आगे से यू टर्न मार के आना पड़ेगा, तो यू टर्न भी बहुत करीब ही मिल गया, ये भी अच्छा ही है यार, यू टर्न भी करीब मिल गया, और 8:00 लगभग 40 मिनट होने वाले हैं, 37 हो गए, तो यहाँ से सब आने, तो सब राइडर्स को फिर निकलेंगे, थोड़ा सा यहाँ जल्दी चलना पड़ेगा यार। सो गाइस अपने राइडर आ चुके हैं सारे, और आप रिएक्शन देखिए बंदी के,
आ चुका है गाइस अपना टोल। आज हम टोल से भी आगे पहुंच चुके थे। और यहाँ चेकिंग हो रही है बहुत, मतलब किस चीज़ की चेकिंग हो रही है गाइस, बहुत तगड़ी जगह निकल आए। सारी सारी बाइक, मतलब सारी सारी कार्स, पूरी पूरी कार इन्हें खोल के देख रहे हैं, सारा सामान देख रहे हैं। तो हो सकता है कि कैश की चेकिंग कर रहे होंगे, कैश कुछ तो नहीं ले जा रहा कोई, क्योंकि टोल पर अधिकतर इन्हीं चीज़ों की चेकिंग होती है। देखते हैं हमें कितना टाइम लगेगा घर पहुंचने में आज। ओ, आपको आवाज आ रही होगी, अच्छी आवाज, अच्छी आवाज आ रही होगी बहुत, और किसी तरह पिन क्लास नहीं आ रहा होगा। चुके हैं लगभग 45 किलोमीटर 25 मिनट में घर आ चुके हैं आज, और वो भी बहुत नॉर्मल स्पीड पे, ज़्यादा भगाई नहीं है, बस 120-125, कहीं कहीं 160 भी खींची, लेकिन कहीं कहीं चुके हैं। यहाँ पे रेड लाइट पर, रेड लाइट बंद पड़ी है। ये 300 जाती है भैया, 300, हाँ 300 भागती है ये, 300। मैंने 200 कुछ बता रखी है, 240। अबे खुल जा भाई। तो भाई भाई ऐसी जगहों पे तो यार इसके साउंड इतने खतरनाक लगते हैं डीबी कलर के साथ, विदाउट डीबी कलर तो यार बहुत ही खतरनाक हो जाती है। ऐसी जगह में डीबी कलर लगा के चलता हूँ ज्यादातर, ताकि किसी को दिक्कत ना हो जाता। तो गाइस मिलते हैं हमें सीधा आपसे गैरेज पर। सो गाइस आ चुके हैं घर पर वापसी अपने, और अपनी राइड हो चुकी है यहाँ कंप्लीट। आपको ब्लॉग कैसा लगा, आवाज़ कैसी आई कमेंट करके बताना। और गाइस अपने मुरादाबाद में हमारी एग्जीबिशन चल रही है, अगर आप लोगों को उसमें एक ब्लॉग चाहिए, इसकी एक रिएक्शन वीडियो चाहिए, तो कमेंट करें, कमेंट करके आइए। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम उसमें फिर करेंगे, अगर कमेंट आप कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे रिएक्शन वीडियो के लिए तो हम ज़रूर शूट करेंगे। अपने टाइगर का हाल देखो भाई, क्या हो चुका है, देख रहा हो ये जबरदस्ती आप लोगों की, ये हो गई डबल मेहनत करनी पड़ेगी अब इसमें। देखो टाइगर की हालत हो चुकी है बहुत गंदी, और हमारी गर्मी में यार बहुत बुरी हालत हो चुकी है। तो ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, और नहीं हो तो यार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपको मिलते हैं न्यू वीडियो में जल्दी इंशाल्लाह। आप अल्लाह हाफिज़।